बात चल रहा है 25-30 प्लस चल रहा है किलो का। तो कितनी मूली लगड़ जाओ है किलो में? ये 150 क्विंटल के करीब, 20-25 हज़ार का खर्चा मान ले कम से कम शुरू में। शुरू में और फिर पाड़न का पढ़ाई आ जाएगी, 15,000 रुपये वो खर्चा, 3.5 लाख रुपया किला हो जाएगा भाई। अच्छा हाँ। उम्मीद है इतना हो जाएगा। उम्मीद है भाई इतने। और फिर इसमें धान बोओगे? हाँ फिर धान बूझेंगे। मूली बो रखी है भाई? मूली बो रखी है। फिलहाल आप कड़े खड़े हैं? आपा गांव लाठ है भाई, गोवाना तहसील है और जिला सोनीपत है। अपना नाम और बता भाई। नाम अपना सन्नी है भाई। कै किला बो दी मूली? 2 किला बो दी। अच्छा और के बोया है इन दिनों में? एक धनिया बोया है भाई, 2 किला 2 किला मूली बोई। अच्छा बस यू बोया है इन दिनों में। मूली का कौन सा बीज पड़ा है? मूली का भाई सजेंटा का है। यो कितना बीज पड़ा किले में? बीज गिरा भाई 2 किलो 1 किले में। खाद कितना गिरा? खाद भाई वो है तकरीबन 1 कट्टा सिंगल सुपर का और वह 1/2 कट्टा उसका पोटास का और 1 NPK कार्बोडाइजम गिरा है वो उसके लिए फंगीसाइड के लिए। अच्छा तो ये डाले हैं भाई। इतनी गर्मी में मूली हो जाओगी? हाँ मूली पक्का होगी भाई। ये बीज ऐसा आ रहा है इसका सजेंटा कंपनी का। अच्छा ये कितनी है? भयंकर गर्मी हो या सर्दी हो किसी भी टाइम बोस का हम इसने। ठीक है 5,000 रुपया का पड़ा हुई किले का। किले का 5,000 का पाइया का आ गया आपका 600 रुपया का। 600 रुपया का। तो आपने जो बिजाई करी है इसमें आपके कुछ कीड़ होगी? ये भाई हाल में तो कुछ नहीं, या 3-4 दिन में जम जाएगी। जमने के बाद में इसमें 4 स्प्रे होंगी टोटल, जब तक या नहीं हो लेती पूरी 40-45 दिन के अंदर इसकी मतलब पढ़ाई चालू हो जाओगी। तो जब तक इसमें 4 स्प्रे होंगी, इसमें कीटनाशक की होगी जो उसने पत्ते ने छेद कर दे है फंगीसाइड की। ये स्प्रे होंगे फंगीसाइड की। कौन सी आओ फंगीसाइड की? फंगीसाइड की तो भाई 12-63 मारते हैं या फिर क्लोरो वगैरह ये और ये दे दे हैं। पहले मार दे भाई है? प्रोस्पेल है। अच्छा प्रोस्पेल है। और कीटनाशक में? कीटनाशक में 505 मारते हैं। अच्छा। या और मारते हैं कोई भी? अच्छा सिंपले मारनी पड़ा माले। सिंपले मारनी पड़ा भाई। ठीक है तो के कुछ बात चली जाओगी इब की होयोडी मूली? भाई बाल में तो बात चल रहा है 25-30 प्लस चल रहा है किलो का। बाकी थोका रेट है, बाकी आगे देखो भाई के भाव चल रहेगा। थोड़ा महंगा जान की संभावना है? हाँ महंगा जान की संभावना, इससे तो कम होना नहीं चाहिए। आप 35-40 तक जा सके? जा सके आराम से जा सके। तो कितनी मूली लगड़ जाओ है किलो में? ये 150 क्विंटल के करीब की पैदावार बताओ हिंद ना की भाई। अच्छा। सर्दी में तो 200 क्विंटल भी निकला हुआ। खर्चा के कुछ आ जाओगा सारा पढ़ाई लड़ाई समेत? खर्चा ये मान ले 20-25 हज़ार का खर्चा मान ले कम से कम शुरू में। शुरू में और फिर पाड़न का पढ़ाई आ जाएगी 15,000 रुपये वो खर्चा आ जाएगा मैक्सिमम। ठीक है 40,000 हो गया मोटा मोटा, और पुचाई लगा ले तो 50,000। 50,000 रुपये किले का मूलिया खर्चा है भाई। तो 30 रुपये किलो चली जावे? 30 रुपये जो किलो चली जाए 3.5 लाख रुपया किला हो जाएगा भाई। अच्छा उम्मीद है इतना? उम्मीद है भाई इतने। और फिर इसमें धान बोओगे? हाँ फिर धान बूझेंगे। 40-45 दिन की है भाई खेती। हमने तो गेहूँ काट कर जब बोए है फिर मशीन द्वारा बिजाई करवा दी भाई। इसकी के फायदा भाई मशीन कलर और हमें भाई अब बीज नहीं बचावा है। अच्छा भाई बढ़िया ही बैठा है इसमें मेड पे। अच्छा लेबर भी बचावा है, सारे काम बढ़िया करा। नहीं वो लार वही है अपने इसकी मेड पे 2 लार वही है भाई मेड पे। तो किसान भाई धन्यवाद। जय जवान जय किसान।